दोस्तों आज हमने खोली है बजाज एवेंजर क्रूज 220। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी पिकअप में और थोड़ी सी साउंड में दिक्कत है और गाड़ी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो इसलिए मैंने एक पार्ट निकाला अंदर से जो कि आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये है इसका वो पार्ट, तो इसका नाम है सीज़र गियर। इसको बोलते हैं सीज़र गियर, जो कि आपको बताता हूँ मैं कि ये कैसे ठीक होता है और कैसे ख़राब होता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी ये वाली साइड जिसको मैं खींच रहा हूँ एक साइड को, तो ये वापस स्प्रिंग इसका जो वापस लेके आ रहा है। बेशक आप इस साइड करिए या उस साइड करिए, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा वापस जा रहा है। बट सेम अगर जो हम दूसरी साइड में देखेंगे तो ये टोटली फ्री हो चुका है, ये देखो। तो ये जो सीज़र गियर है ख़राब है। कई बार होता है कि ये रिपेयर भी हो जाता है, इसका जो स्प्रिंग है वो छूट जाता है, तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, बट इसका स्प्रिंग टूट चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये जो ये वाला जो सुराख है ये बिल्कुल खाली है, और स्प्रिंग के अंदर जो इस सुराख के अंदर जो स्प्रिंग है वो टूट चुका है।